हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ गीतिका और आज हम लोग आए हैं यहाँ कुछ गिफ्ट्स लेने सोविनियर शॉप्स पे। और शॉपिंग तो हम लोगों ने कर ली है और मैं बताती हूँ आपको आगे वीडियो में हम लोगों ने क्या लिया है। तो ये है ज्यूरिक, ज्यूरिक सिटी में है अभी हम लोग। ये शॉप है टेडीज सोविनियर शॉप, ये है ज्यूरिक में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, दिखने में लग रहा है कि बहुत छोटी सी शॉप है पर बहुत कुछ है यहाँ पे। मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे कि मैंने क्या क्या लिया है। तो ज्यूरिक सिटी से अगर आप जाना चाहते हैं इस शॉप पे, तो आपको ज्यूरिक सिटी जो स्टेशन है ज्यूरिक का मेन HB, वहाँ से आपको 4 नंबर की जो ट्राम है वो मिल जाएगी। और ये शॉप है हेलमस करके एक स्टेशन है, तो 3-4 स्टॉपेज ही हैं इसके और वहाँ पर आप इजीली पहुँच सकते हैं। आप ट्राम नहीं भी लेना चाहते हैं, अगर आप व्यू इन्जॉय करना चाहते हैं तो आप पैदल पैदल भी जा सकते हैं वॉक करके। क्योंकि हम तो इसके पहले काफ़ी इधर इस साइड पे वॉक ही किए हैं, जब भी हम आए हैं 3-4 बार आए हैं ज्यूरिक सिटी में, तो हम लोग वॉक करके ही सारा व्यू जो है इन्जॉय करते हैं। बट कल हमें कुछ अर्जेंट लेना ही था तो हम लोगों ने ये ट्राम ले ली थी। और हम लोग, ठंड भी काफ़ी थी कल, 4 से 5 डिग्री कुछ टेम्परेचर था। तो ये हेलमस का स्टेशन है, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। और ये जो सामने बड़ा सा एक चर्च दिखता है ना ज्यूरिक सिटी में, बस उसके अपोजिट साइड में ये शॉप है टेडीज सोवेनियर शॉप करके। ये बड़ा वाला चर्च जो हमें ज्यूरिक सिटी में दिखता है, बस इसके अपोजिट साइड में ये शॉप है। तो ये रेड कलर का बड़ा सा बैनर जो आपको दिख रहा है, यही शॉप है। बहुत छोटी सी दिख रही है सामने से, बट ये काफ़ी बड़ी है अंदर से और काफ़ी कलेक्शन है यहाँ पे, बहुत कुछ है देखने के लिए। तो कार्ड्स वगैरह हैं स्विट्ज़रलैंड के, मैग्नेट्स बहुत सारे थे यहाँ पे, काफ़ी टाइप के की चेन्स, बेल्स, काउ बेल्स, कुकू बेल्स, काफ़ी कुछ है इनके पास कलेक्शन में। कटलरीज वगैरह भी बहुत थे इनके पास जो सोवेनियर्स हैं। और यहाँ पे कुछ कपड़े भी थे, क्लोथ्स वगैरह, बैग्स, हैंड बैग्स, क्लचेस, पाउचेस और ये बेल्ट्स वगैरह, बहुत कलेक्शन है इनके पास। और कीचेन्स का तो बहुत कलेक्शन था। और ये देखिए, ये छोटी छोटी कीचेन्स हैं काउ बेल की, और ये 900 की है कुछ ये काउ बेल छोटी सी। तो एक्सपेंसिव तो होते हैं सोवेनियर्स काफ़ी, और क्योंकि ये स्पेशली मैन्युफैक्चर होते हैं, स्पेशली बनाए जाते हैं कंपनीज में, और ये हर जगह नहीं मिलते हैं, आपको नॉर्मल शॉप पे नहीं मिलेंगे ये। सिर्फ इनके स्पेशल जो शॉप्स होते हैं सोवेनियर्स के, वहीं ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो ज्यूरिक में हमने पता किया था, तो ये एक ही शॉप थी जो संडे को ओपन थी। संडे को यहाँ सब कुछ बंद रहता है, बट ये संडे को कुछ टाइम के लिए ओपन थी, तो हमने सोचा हम यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। हम इसके पहले इंटरलैकन वगैरह भी गए थे। ये देखिए छोटी छोटी सी काउ बेल्स ना, ये 3,000 की है, बहुत ही कॉस्टली रहता है। ये 3,000 की है ये सारी काउ बेल जो रेड कलर में आपको दिख रही हैं, 3,000 और 3,000 के ऊपर भी है। सबसे छोटी जो काउ बेल थी वो 1,500 से स्टार्ट थी, मतलब 1,500 से लेके 2 लाख तक यहाँ पे जो है काउ बेल्स मिल जाएंगी आपको। तो ये सबसे छोटी मुझे दिखी और ये इसका प्राइस था 16.80 फ्रैंक्स CHF, मींस ऑलमोस्ट ये 1,500 की है। तो गिफ्टिंग करने के लिए चाहिए आपको तो आप ले सकते हैं,
ये 2000 की है, बट जो लगेज का प्रॉब्लम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लगेज इतना अलाउ नहीं होता है यहाँ से, और बहुत मुश्किल से हमने जो फ़्लाइट बुक की है उसमें भी इतना मुझे नहीं मिल रहा है, 20 kg पर बैग मिल रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो 23 kg पर बैग था, मीन्स पर पर्सन था, अभी मुझे 40 kg मिला है पर पर्सन पे। ये देखिए, ये काउबेल 2 lakhs की है, कैन यू बिलीव दैट, 2000 देखो प्राइस, देखो 2300 francs, अब आप खुद ही करके देख सकते हैं इसको कैलकुलेट, ये 2 lakhs की थी मैं। और ये है कुछ 290 की, 290 समझो ये 25,000 की ये है ये काउबेल। और ये है 175 की, और ये है कुछ 500 समथिंग, मतलब ये 50,000 की। तो सोवेनियर शॉप्स में काफ़ी जो भी सामान मिलता है ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, और उसकी क्वालिटी तो ओह माय गॉड बहुत ही अच्छी होती है, क्वालिटी वाइज तो बहुत ही अच्छा होता है, और स्विट्ज़रलैंड लिखा होता है उस पर। कहीं भी कंट्री में जाएंगे आपको ये मिल ही जाते हैं, पेरिस में भी हम लोग कुछ लेकर आए थे पेरिस से, और गिफ्ट करने के लिए अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। तो मुझे तो घर के लिए भी लेना था और कुछ फ्रेंड्स के लिए भी लेना था, तो बस हम लोग वही सब देखने आए थे, क्योंकि मुझे इंडिया जाना है अभी कुछ दिनों बाद। और ये कुकू बेल्स हैं, कुकू बेल्स बहुत फेमस हैं स्विट्ज़रलैंड में, और स्विस कुकू बेल्स बोलते हैं इन्हें। बहुत सारे गिफ्ट आइटम्स थे यहाँ पे, मग्स, कप्स, कटलरीज, और स्विस वॉचेस भी थी, मैं आगे बताऊंगी आपको। स्विस वॉचेस, स्विस नाइफ, बहुत फेमस है यहाँ पे, उतनी बड़ी नहीं थी, काफी महंगी आती हैं स्विस की वॉचेस, हम लोगों ने तो नहीं ली। ये देखिए यहाँ पे स्विस वॉचेस रखी हैं कुछ, और कुछ गिफ्ट आइटम्स रखे हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं ये सब चीज़ें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें, मतलब कोई भी चीज़ आप उठा लो वो 900 से कम की थी ही नहीं वहाँ पे। तो शॉपिंग मेरी हो गई है, ये काउबेल मैंने ली है, 6000 की है ये, मुझे 6000 की पड़ी इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। और कुछ मैग्नेट्स हमने ली जो फ्रिज पर लगाते हैं, तो कुछ गिफ्टिंग के पर्पस से ली, और 2 काउबेल्स मैंने ली है, और ये ओपनर है, कैन ओपनर। तो ये देखिए मैग्नेट्स, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको। और आज मैं वापस से मुझे मॉल जाना है, और वहाँ पर भी मैं कुछ मैग्नेट्स देखने वाली हूँ। तो अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये ज्यूरिख का ये शॉप है, ये संडे भी ओपन रहता है कुछ टाइम के लिए, आई थिंक 11 AM to 5 PM ये ओपन रहता है, तो यहाँ आप आ सकते हैं।
और फिर बस हमने बाहर कुछ कुछ देर यहाँ पे हम लोग घूमते रहे, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। सोचा फिर कभी आना होगा यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो कुछ और जाते जाते यादें, कुछ मेमोरीज़ और इकट्ठा कर लें। तो बहुत अच्छा लगता था हम लोग को यहाँ पे आना, जब भी हम लोग फ्री रहते थे और कहीं जाने का मन नहीं करता था तो हम लोग यहाँ से आज यहाँ पर आ जाते थे। हमारे घर से हमें यहाँ तक आने के लिए 10 to 15 minutes ही लगते थे बाय ट्रेन। तो हम लोग कभी कभी क्या करते थे, यहाँ पे लंच लेकर आ जाते थे। और यहीं पर हम लोग लेक के साइड में ना काफ़ी सारे जगह होते हैं, बेंचेस वगैरह लगे रहते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोग मम्मी पापा के साथ आए थे, वो ब्लॉग मैंने बताया था, इस तरह से हम लोग पहले भी आए हैं बट ब्लॉग्स बनाना मैंने अभी अभी स्टार्ट किया। तो हम लोग कभी भी यहाँ पे आ जाते थे लंच बना के और हम लोग वहीं बैठ के खाते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो जब वेदर अच्छा होना तो बहुत अच्छा लगता है स्विट्ज़रलैंड में घूमना, पर अगर वेदर ऐसा होना, ठंड काफ़ी लगती है तो फिर इतना इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। तो कभी भी अगर आप लोग भी कभी प्लान कर रहे हैं तो आप ये मतलब जो समर वेकेशन होते हैं, समर टाइम होता है यहाँ का, तो वो होता है मई से लेकर सितंबर तक ना, बहुत अच्छा वेदर रहता है। और अच्छा अगर आपको वेदर चाहिए तो मैं बोलूँगी जुलाई और अगस्त का बेस्ट रहता है वेदर। उस वेदर में आप प्लान कीजिए, अगर कभी भी आप प्लान कर रहे हैं इनके इस फ्यूचर में, तो वो वेदर बहुत ही अच्छा रहता है यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ से बस हम लोग निकल गए हैं और ये ट्राम ले ली है हमने, और बस थोड़ा घूमते घूमते इस तरह से थोड़ी सी शॉपिंग करते हुए हम लोग फिर वापस घर आ गए थे। आप लोग भी इंजॉय कीजिए सिटी व्यू।
तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, और कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आगे अब मैं इंडिया जाने वाली हूँ कुछ टाइम बाद, नेक्स्ट मंथ मैं इंडिया जाने वाली हूँ, तो आपको पुणे के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, तो आप ज़रूर मेरे से कनेक्टेड रहिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।